हेलो डेजानस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो वीडियो होने वाला है काफी इंटरेस्टिंग वाला वीडियो है। आज का जो मैं फाइल है ब्रांड न्यू फ्लैक्स का डिजाइन लेके आया हूँ यहाँ पे आप सभी को। फ्लैक्स के साथ साथ थोड़े ट्यूटोरियल भी देने वाला हूँ। आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक किया कीजिए। भाई आप लोग थोड़ी बहुत कंजूसी कर रहे, कोई बात नहीं, फिर भी बहुत से भाई लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। लाइक कमेंट्स जरूर कीजिए और कमेंट्स तो भाई लोग ऐसे ऐसे कुछ कुछ लोग कर रहे हैं, वीडियो को डांट स्किप कर रहे हैं और देख रहे हैं कि फाइल ठीक है पासवर्ड आराम से देखिए, जिसमें कंट्रोल भी मिल जाएगा और किस टाइप से ये सब बनाए जाते हैं, ठीक है। आप बहुत ही नॉलेजेबल इंसान हो, बट हम चाहते हैं कि आप लोग वीडियो थोड़ा सा देखिए, थोड़ा मैं अलग टाइप से काम करते हूँ या फिर आप थोड़ा अलग करते होंगे, तो जब वीडियो देखिएगा तो थोड़ा सा समझ में आएगा, ठीक है। और पासवर्ड भी इजीली मिल जाएगा। और इसमें क्या है कि आप जब डिजाइनिंग सीख रहे होंगे तो उम्मीद है आप लोगों को साल दो साल लगे होंगे, ठीक है। जैसे मैंने इस फील्ड पे काम करते हुए 8-10 साल जो भी हो गया है उस टाइप का मेरे पास एक्सपीरियंस है, तो मैंने क्या था कि आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, बट आप लोग वीडियो में आराम से देखिए, इसमें आप बताऊंगा। इतने मेहनत से वीडियो बनाता हूँ आप सभी के लिए, फाइल तो फ्री में देता हूँ, कोई कॉस्ट नहीं है। और प्लस की कुछ मांगता भी नहीं भाई कि सब्सक्राइब करो, कमेंट्स करो या लाइक करो, बस भाई कहता हूँ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लो और इसी टाइप का फाइल चाहिए तो सब्सक्राइब कर लो ताकि हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले, तो ठीक है। इस वीडियो में भी आपको 9 अंक का पासवर्ड दिया जाएगा, 3 टाइम 3-3 अंक करके दिया जाएगा, तीनों को जोड़ के 9 अंक कर लीजिएगा। और उनके बाद जो जिप फाइल होगा जो डाउनलोड कीजिएगा आप लोग गूगल ड्राइव से, जो डायरेक्ट गूगल ड्राइव पे होगा, अदरवाइज कोई इधर उधर का लिंक बन कर दूंगा, डायरेक्ट गूगल ड्राइव से डाउनलोड होगा, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद वो जो जिप फाइल मिलेगा उन्हें आप एक्सटेंड करने के लिए 9 अंक का पासवर्ड को यूज़ कीजिएगा, फाइल आपको इजिली मिल जाएगा। आपको बार बार कॉमेंट्स में करने की जरूरत नहीं पड़ेगा कि भाई कॉमेंट्स में पासवर्ड क्या है, ठीक है। तो वीडियो को एंजॉय करते हुए देखिएगा और वीडियो में हम हो सके काफ़ी अच्छे तरह से समझा पाओ आप लोगों को, और कुछ भी त्रुटियाँ आती है तो आप लोग हमें कॉमेंट्स करके कह सकते हैं कि थोड़ा इस टाइप से हमें थोड़ा नॉलेज दे, या फिर और भी बहुत सारे होते हैं कि मतलब इस टाइप का डिज़ाइन अपलोड करें। मेरे पास बहुत सारे डिज़ाइन है, ऑलमोस्ट 1200 GB के आसपास मेरे पास फाइल है, और हम चाहते हैं कि आप लोगों के साथ से, तो ठीक है वीडियो पे बना रही है, स्किप नहीं कीजिएगा, विराट स्किप पूरा वीडियो देखिएगा। तो हम चलते हैं स्क्रीन, तो हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए अपने स्क्रीन पे, और स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो एक फोल्डर है, जब आप लोग फोल्डर डाउनलोड कर लीजिएगा अपने गूगल ड्राइव से तो आपको इस टाइप का एक जिप फाइल मिलेगा, ठीक है। ये जो जिप फाइल है, इस टाइप का एक जिप फाइल आएगा जिसको आपको एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। इसको आपको एक्सट्रैक्ट करने का तरीका क्या है कि आप उस पर राइट क्लिक कीजिएगा, राइट क्लिक करने के बाद आपको उसमें 4 ऑप्शन देते हैं, ठीक है। 4 ऑप्शन में आपको 4th नंबर का जो एक्सट्रैक्टर होगा जिसमें लिखा होगा एक्सट्रैक्ट टू फाइल का नेम, जब भी कोई सा भी मेरा फाइल एक्सट्रैक्ट करे तो इसी टाइप का, या किसी का भी फाइल जब भी एक्सट्रैक्ट करे तो आपको इसी टाइप से करना है एक्सट्रैक्ट टू फाइल का नेम, ठीक है। तो उससे क्या होगा ना कि एक बेनिफिट होगा कि आपके सामने एक फोल्डर बन के आएगा जो इस टाइप से होगा, ठीक है। जो जो मटेरियल होते हैं वो एक फोल्डर बन के आ जाते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आपको फाइल मिलने वाला है, ठीक है। इसमें क्या है कि एक फोल्डर मिलेगा फ्लैक्स मटेरियल का नाम से, एक्चुअल में उस पर भी फ्लैक्स बना हुआ है, बट उस पर अधिकतर यूज़ होता है मटेरियल यूज करने के लिए, ठीक है। उसमें एक आइडियाज़ कि हम लोग कैसे बना सकते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे डिज़ाइन है, मतलब 300 above है, और कुछ JPEG इमेज भी दिया गया है जिससे आप लोगों के कोरल पे अगर शो नहीं करता है कोरल ड्रो का फाइल तो आप JPEG पे नंबर डाल के आप उस नंबर से, मतलब जैसे कि एक फाइल है उसके जस्ट बगल में एक JPEG बना के दिया गया है, ठीक है, ताकि आप लोगों को फाइल खोलने में इजी हो जिनका प्रीव्यू नहीं होता है कोरल ड्रो का फाइल, ठीक है। उसी तरह, ठीक है, हम लोग दूसरे वाले फाइल पे चले जाते हैं। एक तो स्टैंड बोर्ड और स्क्वायर साइज का जो फ्लैक्स होते हैं जो दुकान के साइड पे या कहीं पे पार्किंग वार्किंग जोन पे लगाए जाते हैं, ठीक है। उसी तरह एक गेट का भी डिज़ाइन है जिसमें आइडियाज़ के लिए आप लोगों को दिया गया कि गेट का डिज़ाइन इस टाइप से बनता है। और एक मिक्स फाइल है जो आपको हॉरिजॉन्टल जो दुकान के टॉप पे लगाया जाता है, फ्रंट ऑफ दुकान का, ठीक है, दुकान के ऊपर में, जैसे लाइट बोर्ड या फिर साइन बोर्ड ही हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। उसी तरह एक फाइल मिलेगा रेस्टोरेंट का जिसमें आपको रेस्टोरेंट से रिलेटेड सभी फ्लैक्स डाले गए, ठीक है। हम लोग एक कोई सा भी फाइल खोल के दिखलाते हैं आपको उसमें क्या क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग खोलते हैं ना मिक्स हॉरिजॉन्टल फ्लैक्स को, ठीक है। मिक्स हॉरिजॉन्टल फ्लैक्स में क्या क्या है आप लोगों को हम बताते हैं, वीडियो पे बने रहिए, बिना स्किप करके देखिएगा, वरना हमें भी कंप्यूटर को हैक करने आता है, हम भी कभी कभी हैक कर लेते हैं, ठीक है। तो हमसे बच करिएगा, कमेंट्स में ये मत डालिए पासवर्ड नहीं मिल रहा, वीडियो पूरा स्किप करके, मतलब विदाउट स्किप करके देखिएगा, ठीक है ना, पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको समझने में ईजी हो जाएगा। तो इस टाइप का आपका फाइल है यहाँ पे,
ये जो फाइल है ऊपर में जैसे देख रहे हैं आप लोग माँ हैंडलूम और उनका डिल सिर और फोटोज वगैरह है, उसी तरह सबका चिकन सेंटर मतलब एक नाम है, आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं कस्टमर का जो डिमांडेड होता है, ठीक है। उसी तरह एक रेस्टोरेंट का है फाइन डाइन कैफे रेस्टोरेंट है, एक तरह का कैफे रेस्टोरेंट है जहाँ पे अधिकतर तो फैमिली रेस्टोरेंट भी बोल सकते हो, कपल रेस्टोरेंट जहाँ पे ज़्यादा विजिट करते हो उस टाइप का बना हुआ रहेगा, मतलब चाइनीज फास्ट फूड वाला दुकान का मतलब रेस्टोरेंट का, ठीक है। उसी तरह टॉस्टी टूर एंड ट्रेवल्स जो ट्रैवलिंग में यूज होता है उस टाइप का, ठीक है, या फिर कार बुकिंग वगैरह वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। और दूसरा क्या है कि कॉन्सेप्ट कॉमर्स क्लासेस मतलब इंस्टीट्यूट का बोर्ड है, ठीक है। और सभी फाइल आपको ओपन फाइल मिलने वाला है, सभी का फॉन्ट ओपन है, मतलब इस पर टाइपिंग कर सकते हैं, यूजबल फाइल है, एडेबल फाइल है, जो भी कह सके आप वो कह सकते हैं, ठीक है। हिंदी वाला भी सेम उसी तरह मतलब सब फाइल जो है ओपन फाइल है, खुद का बनाया हुआ। मैंने बहुत ही दिनों के बाद मैंने चाहा सबको अलग अलग करना, बट मेरे पास कोरल 20 था ना, इसलिए मैं सबको एक जगह इकट्ठा करके कन्वर्ट करके आप सभी को ये फाइल दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसी तरह का सेकेंड पेज में आपको मिलेगा किसान का, जो किसान का बीज भंडार वाले शॉप पे लगता है ना, बीज भंडार के दुकान पे साइनबोर्ड उस टाइप का ये डिज़ाइन है। कल्याण इंटरप्राइजेज मेडिकल शॉप रिलेटेड फॉन्ट है। मेंस कुजूर कलेक्शन, ये एक कपड़े का दुकान का है जहाँ पे ब्रांड न्यू टी शर्ट शर्ट जीन्स वगैरह मिलते हैं, ठीक है। उसी तरह गुडविल एक स्कूल का नाम है, ठीक है, शॉर्ट नेम गुडविल पब्लिक स्कूल जो अपने एरिया में इधर है, ठीक है। उसी तरह एक फटाखे का दुकान पे जहाँ पे बहुत सारे फटाखे मिलते हैं शादियों के टाइम पे या फिर दिवाली के टाइम पे या किसी भी त्यौहार के टाइम पे, तो आतिशबाजी सेंटर, ठीक है। ये सारे के सारे फाइल आपको ओपन फाइल है, आराम से इस पर टाइपिंग कर सकते हैं, ईजी कर सकते हैं, इससे आइडियाज़ ले सकते हैं, इस टाइप से बना सकते हैं, ठीक है। उसी तरह पार्लर का है, क्लीन हाउस का है, ऑटो रिपेयरिंग सेंटर का है, बैग दुकान का आपका, फिर से कपड़ा दुकान का है कुछ अलग से डिज़ाइन में। उसी तरह का एक स्वीट्स दुकान का है, संजय स्वीट्स एंड कैटरर, जो कैटरर लोग बनवाते हैं या फिर कोई होटल वाला बनवाते हैं कि वो कैटरिंग भी करते हैं उस टाइप का, जो भी आपको मटेरियल मिले उस टाइप से आपको काम करना है, ये बस एक आइडिया के लिए। बाकी सारे के सारे फाइल ओपन फाइल है और इन सब में कलर का इशू नहीं है, फॉन्ट चेंज करना है फॉन्ट भी आप लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये फॉन्ट हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पे सारा फाइल ओपन है, आप लोग वीडियो पे बना रहे हैं, हम आपको इसका ट्यूटोरियल बताऊँ। पहले आप सभी को फ्लैक्स का डिज़ाइन दिखला, तो वीडियो को पूरा देख मतलब थोड़ा तो देख ले ताकि आपको फाइल का पता चले कि ये सारे फाइलें जो यूजबल है या नहीं है, ठीक है, आपके ऊपर डिसाइड करना, ठीक है। इन चार पेज में इतने सारे फाइल थे और दूसरे वाले फाइल को खोलते हैं हम लोग। सेकेंड जो फाइल का नाम है फ्लैक्स बोर्ड सेकेंड स्टैंड, मतलब फ्लैक्स बोर्ड टू स्टैंड टाइप का जो डिज़ाइन है, ठीक है, इनको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या है कि इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे डिज़ाइन मैंने चूज़ करके दिया, मेरे पास तो बहुत सारे फाइल है बट सबको डालना पॉसिबल नहीं था, बहुत ही एमबी हो रहा था, ताकि जिससे आप लोगों को वो भी डाउनलोड करने में आसानी नहीं होती, काफ़ी दिक्कत होती है, 1.5 GB पर डे हर किसी को मिलता है। अब जिनके पास वाईफाई है भाई अनलिमिटेड वाला, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी मैंने फाइल डाला है, ऑलमोस्ट टोटल फाइल हमको लगता है 500 से 600 MB के आसपास होगा, हो सके तो 400 MB का भी होगा, मैंने चेक नहीं किया अभी तक, ठीक है। तो इसमें भी आपको मिलने वाला है बहुत सारा डिज़ाइन है, थोड़ा अल्ट्रा टाइप का साइज़ था, बट आपको साइज़ पे नहीं जाना है, आपको काम किस टाइप से करना है उनको देखना है, ठीक है। इसी तरह से आपको जैनित ऑटोमोबाइल, ये भी TVS शोरूम का एक बोर्ड बन रहा था उनके लिए था, एक सर्विस सेंटर बाइक का था, जो रिपेयरिंग गैरेज वगैरह होते ना उनके लिए ये डिज़ाइन तैयार किया गया था, ठीक है। उसी तरह मोबाइल दुकान का फ्लैक्स, आतिशबाजी का जो स्टैंड वाला फ्लैक्स था वहाँ तो टॉप का दिया हुआ था, यहाँ पे स्टैंड वाला दिया गया है। उसी तरह स्पीड जोन का भी फ्लैक्स है, जो आप लोग क्या बोलते हैं उसको, प्रज्ञा केंद्र या फिर आपका सुविधा केंद्र जो भी बोले, जन सेवा केंद्र, उस टाइप के लिए आप लोग कैफे में जो यूज़ होते हैं उस टाइप का ये डिज़ाइन है, ठीक है। उसी तरह आपका मोबाइल दुकान का दो दो डिज़ाइन यहाँ पे बना हुआ है, सस्से इंटरप्राइजेज और कमला एजुकेशन कम्युनिकेशन, ठीक है। उसी तरह मेडिकल स्टोर का भी डाला गया है, और कुजूर वाला जो मैंने आपको अभी बताया कि टॉप वाला जो हॉरिजॉन्टल फ्लैक्स बना था उससे क्या है कि स्टैंड इधर भी बना हुआ है, जो भी साइज हो 3x4 हो या 4x6 का हो स्टैंड हो, ठीक है, उस टाइप का आपको यहाँ पर डिज़ाइन देखने को मिल रहा है। इसी तरह सेकेंड पेज में हम लोग चले जाते हैं, तो सेकेंड पेज में क्या है कि आपको यहाँ पे मोटर्स रिलेटेड जैसे एक शोरूम होता है वर्मा शोरूम करके नाम था, वो दिवाली के टाइम पे छठ के टाइम पे अपना साइन बोर्ड बनवाया था, गेट का डिज़ाइन बनवाया था, उनका कुछ मटेरियल है यहाँ पे, ठीक है।
और एक खास बात, यहाँ पे एक पान दुकान का भी बैनर बना हुआ है, ठीक है। पान दुकान वाले भी आजकल बैनर लगाते हैं, डिजिटल जमाना है ना, ठीक है। उसी तरह और भी बहुत सारे फाइल है। ये एमो इलेक्ट्रिक बैग, जो बैटरी से चलने वाली गाड़ियाँ होते हैं ना, उनका एक कंप्लीट डिज़ाइन मेरे पास बना हुआ था, तो उनको भी मैंने शेयर कर दिया आप लोगों से, ताकि आप लोगों को आइडिया मिल जाए किस किस टाइप के डिज़ाइन होते हैं, ठीक है। ये सभी फाइल ओपन फाइल है जितना अभी तक मैंने दिखलाया, और भी बहुत सारे फाइल है जो मैं अभी दिखलाने वाला आप सभी को, ठीक है। हाँ, तो ये जो फाइल है, ये सभी फाइल आपको ओपन फाइल मिलने वाले, सभी अच्छे रेजुलेशन में बनाए गए हैं। आप जैसे कोरल में आपको आइडिया ही होगा कि कोई सा भी फाइल चाहे इतना छोटा हो या काफ़ी बड़ा हो, उनको छोटा बड़ा करने के बाद भी उसका क्वालिटी कम नहीं होता है जब तक वो जेपीजी ना बने, ठीक है। ये सारे के सारे फाइल ओपन फाइल है, टेक्सेबल है, एडिटेबल है, जो भी कहे आप, ठीक है, उसी टाइप का है। ये एक आइडिया के लिए आप लोगों को दिया गया, और इस पर काम हो जाए तो आप लोग इस पर भी रिटाइप करके काम कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे सैलून का जो मैंने उधर दिखलाया था, एक सैलून का उसी टाइप का एक सैलून का यहाँ पे भी बना हुआ है, यहाँ पे सोनू मेंस पार्लर के नाम से बना हुआ है, ठीक है। सभी फाइल एडिटेबल है। इस टाइप का कलर कैसे मिक्स करते हैं मैं आपको लास्ट में वीडियो पर बताऊँगा, उससे पहले आप लोग वीडियो को स्किप करके ना देखें, ताकि बीच बीच में आप लोगों को पासवर्ड दिया जाएगा, ठीक है। तो एक इंस्टीट्यूट का मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट का एक फ्लेक्स बैनर बना हुआ था, जो लाइट क्या बोलते हैं उसको, साइन बोर्ड, जो पोल वोल कहीं कहीं भी लगाए जाते हैं नो पार्किंग के जगह पे, ठीक है। और उसी तरह एक ज्वेलरीज दुकान का भी है, बहुत ही अच्छे अच्छे डिज़ाइन है, अच्छे कलर कॉम्बिनेशन के साथ में बनाया गया है। इन सबको कलर कैसे मिक्स करते हैं इसका फुल्ली ट्यूटोरियल मैं दूंगा, बट इस वीडियो पे तो कंप्लीट नहीं दे पाऊंगा, बट कुछ इतने ट्यूटोरियल दे पाऊंगा जिससे कि आप लोगों का काम चल जाए, और कुछ अच्छे ट्यूटोरियल देने वाला हूँ, ठीक है। वीडियो में बने रहे, हम लोग तीसरा वाला फाइल खोलते हैं जिसका नाम है आपका गेट वाला डिज़ाइन, ठीक है। गेट डिजाइन फ्लेक्स बोर्ड, ठीक है। इसमें क्या क्या फाइल है आप लोग देखिए, खुल नहीं रहा, हाँ खुल गया भाई, कंप्यूटर बहुत अपग्रेड कराया मैंने, ठीक है। ये जो फाइल है आपके सामने, एक गाड़ी का मतलब सैंपल भी रख दिया, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि ये जो डिज़ाइन बन रहा था किस रिलेटेड बन रहा था, ठीक है। ये जो स्पाइसी फास्ट फूड लिखा हुआ है, ये गाड़ी का यहाँ पे टॉप पे लगने वाला, ठीक है। और लेफ्ट राइट में जो डिज़ाइन दिख रहा है आपको, ये लेफ्ट राइट पर लगने वाला था। जो नीचे में जो मेन्यू दिख रहा है, जो टोटल लिखा हुआ है कि कितने रुपये का क्या है, हाफ प्लेट फुल प्लेट, वो गाड़ी का ठीक चक्का के ऊपर में जो वाइट वाला जो हिस्सा दिख रहा है ना, वहाँ पर वो लगने वाला था, ठीक है। तो उसके लिए ये डिज़ाइन कंप्लीट बनाया गया था उसी के मेजरमेंट के हिसाब से, ठीक है। उसी तरह और भी गेट का डिज़ाइन है, जैसे वर्मा मोटर का मैंने ऑलरेडी बताया कि पिछले वाले जो डिज़ाइन पे था उसी का एक गेट का डिज़ाइन था, और कुछ यहाँ पे वाला बस उससे थोड़ा सा हट के डिज़ाइन है, ये वो कुछ और था, ये कुछ और था, ठीक है। दिवाली के टाइम पर बना था, मतलब कुछ लोग रोड पर लगवाते हैं ना गेट वाला डिज़ाइन, तो उसके लिए आप लोगों को जो जो चाहिए होगा वो यहाँ से आराम से ले सकते हैं। टोटल फाइल डाउनलोड कर लीजिएगा, इन फ्यूचर कभी ना कभी काम आएगा, और एक तरह का आइडिया मिलेगा, जितना ज़्यादा आपको आइडिया मिलेगा उतना ज़्यादा आपके डिज़ाइनिंग का क्या बोलते हैं वो एक्सपीरियंस में इंक्रीज होगा, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे न्यू सोनी ज्वेलर का डिज़ाइन है, ठीक है। और ये सब जो फाइल है डबल कलर यूज़ किया हुआ, मैं बार बार हर फ्लेक्स हर डिज़ाइन पे मैं बतला रहा हूँ, ग्रेडियंस का टूल यूज़ करते हैं, जो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, बहुत सारे भाई लोग तो खैर कहना नहीं है, सबको ही पता है, जिनको नहीं पता उनके लिए हर बार मैं कह देता हूँ उनके लिए कि काम करने में ईजी हो जाए, ठीक है। ये भी एक गेट का डिज़ाइन है। उसी तरह एक आतिशबाजी सेंटर, जो आप लोगों को मैंने पिछले वाला डिज़ाइन पे दिखलाया था कि इनका भी हॉरिजॉन्टल वाला और एक स्टैंड वाला बोर्ड बना हुआ था, ठीक है, उसी टाइप का यहाँ पे भी एक बना हुआ है। हाँ, अब आ जाते हैं हम लोग वो फ्लेक्स वाला डिज़ाइन जिसपे मटेरियल का नाम दिया हुआ, ठीक है। ये वाला जो फाइल है आपका, इसमें बहुत सारे डिज़ाइन है जिससे हम लोग आइडिया ले सकते हैं कि अगर हम लोग टॉप पे बना रहे हैं कोई ऐसा फ्लेक्स का डिज़ाइन, या फिर कोई स्टैंड बोर्ड बना रहे हैं, तो उसमें किस टाइप का मटेरियल ले, कैसे यूज करें। अभी वीडियो पे बना रही है, हम आपको वीडियो पे दिखा रहे हैं, ठीक है। एक नया सा पेज हम लोग ले लेते हैं, उस पर क्रिएट करके आप लोगों को बताते हैं। जब भी हम लोग एक फ्लेक्स बनाना चाहते हैं, जब भी एक नया फ्लेक्स क्रिएट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम लोग वो एक उसको साइज करने के लिए एक बॉक्स क्रिएट करते हैं, जो आप लोगों को टूल्स के साइड पर मिल जाता है, ठीक है। जहाँ पर टूल्स हम लोग ढेर सारा टूल्स देखने के लिए मिलता है लेफ्ट साइड पे, और वहाँ से आपका
रेक्टेंगल टूल होता है, ठीक है। रेक्टेंगल टूल का यूज़ करते हैं और एक कोई सा भी साइज का हम लोग एक बॉक्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। बॉक्स क्रिएट करने के बाद क्या है कि जो भी हमारे कस्टमर आते हैं उनका जो साइज होता है, फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं 10x3, ठीक है। अब फ्लेक्स हम लोग को बनाना है तो वो फीट पर बोलते हैं 10x3, तो हम लोग को क्या करना है, इंची में हम लोग को 10x3 बनाना है, ठीक है। तो इंची में हम लोग सबसे पहले यहाँ से कन्वर्ट करते हैं, मिलीमीटर रहता है, किसी का फिट रहता है, किसी का कुछ भी रहता है, बट हम लोग को सबसे पहले इंची कर लेना है, जिससे क्या होता है कि फाइल का जो कैपेसिटी और जो वेट होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, फाइल जो हैवी होता है उनका क्वालिटी थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है, फाइल हैवी नहीं होता है, काम करने में इजी हो जाता है, ठीक है। रेजोल्यूशन थोड़ा कम होता है बट क्वालिटी प्रिंट सेम आता है। जब हम लोग कन्वर्ट करने लगते हैं तब हम लोग फाइल का जो एक्चुअल साइज होता है 10x3 फीट का, वो हम लोग साइज करके एक्सपोर्ट करते हैं, उसके बाद ही प्रिंट देते हैं। लेकिन बनाने का काम हम लोग का इंची में, ठीक है। तो इंची में हम लोग एक बॉक्स क्रिएट करते हैं 10x3 फीट का, ठीक है। इस टाइप का आपका डिज़ाइन होगा, कोई सा भी एक कलर फिल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग अभी ब्लैक ही कलर यूज़ करते हैं, ठीक है। इस पे क्या है कि हम लोग जो मटेरियल यहाँ पे दिए हुए फ्लेक्स डिज़ाइन का, तो यहाँ से हम लोग एक मटेरियल निकाल लेते हैं, कोई सा भी मटेरियल निकाल लेते हैं यहाँ से। फॉर एग्जांपल हम लोग ये वाला डिज़ाइन को ड्रैगन ड्रॉप करेंगे, वहाँ पे जो भी मटेरियल आपको देखने को मिल रहा है आप डायरेक्ट ड्रैगन ड्रॉप कर सकते हैं। लो क्वालिटी में डाला गया है बट सभी फाइल ओपन फाइल है, डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कलर चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज करना हो या फिर सेप का आकार चेंज करना हो, मतलब जो डिज़ाइन होते हैं अपने हिसाब से जो बना हुआ है उसको डिज़ाइन चेंज करना हो, सब भी चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग चले जाते हैं, ये फाइल हम लोग कॉपी करके लाए, ठीक है। कॉपी करने के बाद इनको अनग्रुप कर लेते हैं। अनग्रुप करने के बाद क्या है कि सबको इधर उधर हटा देते हैं जिसका ज़रूरत है। हम लोग फिलहाल यहाँ पे काम करने वाले येलो वाला पट्टी और पिंक वाला पट्टी के ऊपर, ठीक है। तो हम लोग ये वाला फाइल को ले आते हैं इधर और इन सभी को डिलीट कर देते हैं, जिसका ज़रूरत है वो हम लोग वहाँ से कॉपी कर लेते हैं फाइल से, ठीक है। ये वाला हिस्सा लेना, अब क्यों लेना है, क्योंकि हमें फ्लेक्स को क्रिएटिव बनाना है। कोई सा भी एक डिज़ाइन हो, नाम होता है, एड्रेस होता है, फॉर एग्जांपल हम लोग कोई सा भी एक डिज़ाइन ले आते हैं उससे हम लोग उठा लेते हैं, ठीक है। ये वाला डिज़ाइन कॉपी करके ले जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग मान लेते हैं कि स्वीट्स का दुकान का ही हम लोग को फाइल बनाना है, ठीक है। एक तो ये डिज़ाइन बना हुआ था ऑलरेडी, अब हमें करना है दूसरा टाइप का डिज़ाइन क्रिएट, ठीक है। दूसरा टाइप का डिज़ाइन क्रिएट करना है, हम लोग इनका कलर बैकग्राउंड कर देते हैं रेड, संजय एंड स्वीट्स कैटर को कर देते हैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट, ठीक है। इतना ही नाम रहने देते हैं। ये डिज़ाइन हम लोग अलग से मटेरियल वाला फाइल से उठा के लाए हैं, इनको क्या करते हैं हम लोग थोड़ा सा टेम्पर डिज़ाइन थोड़ा सा अल्टर करते हैं इनको, ठीक है। ये हो जाएगा आपका पावर क्लिप से उसके अंदर, और पावर क्लिप करने के लिए आप लोगों को पता ही होगा Alt+3WP करना है, या फिर अगर अपग्रेड कोरल का वर्जन हो तो आप लोग राइट क्लिक करके डायरेक्ट पावर क्लिप का बटन क्लिक करके आप जिसके अंदर ले जाना हो उस पर क्लिक कर देना, ठीक है। क्लिक करने के बाद क्या करना है कि इसको अपने हिसाब से सेटिंग कर लेना है, या तो फिर इतना रोटेट कर लेना है, या फिर ये हिस्सा थोड़ा ऊपर आ रहा है तो इनको हम लोग कर देते हैं सेप टूल जो होता है F10 का बटन से, शॉर्टकट की बटन F10 है जिससे हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उससे हम लोग थोड़ा सा साइज इनका ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, ताकि वो फ्लेक्स से मैच कर जाए, ठीक है। अब क्या है कि एक साइड का रेड वाला हिस्सा पे हम लोग रेड रहने देते हैं और इस साइड पे वाइट करते हैं। इसके लिए क्या करना है कि एक हमें रेक्टेंगल शेप लेना है उसके आधार पर, और सेप टूल लेना है। सेप टू लेने के बाद में वो रेक्टेंगल बॉक्स को कर्व करने के बाद अपने हिसाब से यहाँ स्ट्रेट करके वाइट कर देना, पेस्ट डाउन कर देना। पेस्ट डाउन करने का मतलब वही हुआ कि उस डिज़ाइन के पीछे चला गया, ठीक है, ताकि हमें डिज़ाइन करने में वो डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है। बाहर आ जाते हैं, जिस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि एक साइड का वाइट हो गया हिस्सा, एक साइड का रेड हो गया, रेड ऑलरेडी पहले से था, वाइट वाला हम लोग एक रेक्टेंगल बॉक्स लेकर उसके पेस्ट डाउन कर दिया, ठीक है। पेस्ट डाउन करने के बाद वहाँ पे वाइट फिल कर दिया, वाइट फिल करने के बाद वहाँ पे छोड़ दिया। अब यहाँ क्या है ना कि एक स्वीट्स का ढेर सारा मिठाइयाँ डाल देते हैं यहाँ पे, ताकि दिखने में अच्छा लगे। वाइट कलर है, वाइट समझ में नहीं आ रहा तो येल्लो कर देते हैं, ठीक है। ये सभी डिज़ाइन को यहाँ पे
रख देते हैं। या फिर आप कपड़े का दुकान का बैनर बना रहे हो या कोई सा भी बैनर बना रहे हो, तो उस टाइम पे आपको ये काम करने में ईजी होगा और थोड़ा सा आसानी होगा। यहाँ पे कुछ भी फोटोज डाल सकते हैं इस टाइप से, ठीक है। रेट पीरियड मैच नहीं कर रहा, ठीक है। सभी फाइल ओपन फाइल थे, मैं कब से कह रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे भी क्लिक करूँगा तो ये भी कलर चेंज हो जाएगा क्योंकि सब फाइल ओपन है, ठीक है। इसी तरह हम लोग साइज़ को इनका इंक्रीज करना है जितना, लेफ्ट राइट साइड जो भी करना है। फिर इनका एड्रेस उठाना है, मतलब जो भी कस्टमर आपको देते हैं वो एड्रेस लेके आना है। आप नीचे में पेस्ट कर सकते हो एड्रेस। अब ऐसे डायरेक्ट में अच्छा नहीं लग रहा तो क्या करना है ना, एक पट्टी यहाँ पर लगा देते हैं एड्रेस और मोबाइल नंबर के नीचे में। पट्टी लगाने के बाद में थोड़ा अच्छा लगता है, कोई सा भी कलर का एक पट्टी लगा देते हैं। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे कि एक रेक्टेंगल बॉक्स लेके उस पर हम कलर फिल कर देंगे जिसका नाम हम पट्टी कह जा रहे हैं, ठीक है। तो बस बहुत ही इजी प्रोसेस है, आपको इसी तरह से करना है। अगर हम इंग्लिश बोलने लगे, इंग्लिश तो हमको आता नहीं है, फिर आपको भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए ठीक है पट्टी कह रहा हूँ, ठीक है। इस टाइप से आपको एड्रेस डालना है। एड्रेस के ऊपर में क्या डालना है कि आपका जो कस्टमर के हिसाब से जो भी वो लिखवाए हैं कि मेरे यहाँ यहाँ क्या क्या होते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है बी टेक ऑर्डर फॉर वेडिंग, फैमिली गेट टुगेदर, बर्थडे, ऑफिशियली पार्टीज ऑल्सो, ठीक है। मतलब हम इस टाइप का ऑर्डर को एक्सेप्ट करते हैं, मतलब इस टाइप का ऑर्डर लिया जाता है हमारे यहाँ, ठीक है, उसी टाइप से। अब क्या कि नीचे में भी जगह बच रहा है, नीचे में जगह बच रहा है, तो इसके लिए भी थोड़े बहुत कोई सेप का डिज़ाइन उठाते हैं, मतलब सेप कोई अच्छा सा डिज़ाइन। जैसे हम लोग मटेरियल पे चले जाते हैं, मटेरियल पे जाने के बाद में देखते हैं कि यहाँ पे कोई अच्छा सा डिज़ाइन मिल जाए, ऊपर नीचे करते अपने डिज़ाइन को, ठीक है। ये वाला हम लोग फाइल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे 4 नंबर और ब्रैकेट में 8 नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। ये वाला फाइल को डायरेक्ट अपने माउस का लेफ्ट बटन से क्लिक करते हैं और ड्रैग करके अपने कोरल पे ला कर ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। इसको क्यों लाया, क्योंकि इसमें जो बॉक्स बना हुआ है काफ़ी अच्छा लग रहा है हमको, ठीक है। आपको भी अच्छा लगेगा तो आप भी उठा के ले आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लाना है इनको, अनग्रुप करना है कि इनका एक जो बॉक्स है ना ये मुझे चाहिए, यहाँ से एक बॉक्स लेना है, या फिर आप लोगों को सिंपल सा रेक्टेंगल का शेप चाहिए, या फिर 6 कॉर्नर वाले, या फिर राउंड सर्कल चाहिए, जो भी चाहिए। हमें ये अच्छा लगा, हम अभी फ़िलहाल उठा लेते हैं, क्योंकि डिज़ाइन हम बना रहे हैं। आपको जब बनाना होगा तो आप राउंड सर्कल ले लीजिएगा, आप रेक्टेंगल ले लीजिएगा, ठीक है। तो इनको हम लोग ले लेते हैं पहले, फॉर आइडियाज़ कि कैसे हम लोग को काम करना है। ठीक है, ये जो शेप आपके पास आ जाएगा, इस पर क्या करना है कि इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से साइज को इंक्रीज करके आप कंटिन्यू इसको कंट्रोल आर फॉर रिपीट करते चले जाना है और इस टाइप से फिल कर देना है। इसमें क्या करना है कि तरह तरह के जो भी उनके पास में जो भी मिठाइयाँ या फिर जो भी आइटम्स वो बनाते हैं, उन सभी को यहाँ पे फिल करके एक अच्छा सा डिज़ाइन दे सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या हुआ कि एक कंप्लीट डिज़ाइन हो गया, ठीक है। इसको बड़ा करके हम दिखा देते हैं। इस टाइप से आपका फ्लैक्स का डिज़ाइन बनने वाला है, इस टाइप से आपका फ्लैक्स का डिज़ाइन बनने वाला है। और जैसे आप संजय कैटर पे आप चाहते हैं कि डबल कलर हो जाए, ठीक है। डबल कलर करने के लिए आपको कीबोर्ड से डायरेक्ट जी का बटन प्रेस करना है और जिस ऑब्जेक्ट को डबल कलर करना है या जिस फॉन्ट को डबल कलर करना है, आप उस पर डायरेक्ट माउस का बटन को प्रेस करके नीचे की तरफ खींचना है, आपका डबल कलर का ऑप्शन खुल जाएगा, ठीक है। एक वहाँ पे बगल में एक बॉक्स खुलता है, या तो वहाँ से आप कलर चूज कर सकते हैं, या फिर आप उस बॉक्स पे क्लिक करके अपने कलर वाले प्लेट्स पे जाके वहाँ से कलर चूज कर सकते हैं, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है। अब जो बैकग्राउंड है उसके जो बैक साइड में ब्लैक कलर दिख रहा है, ये जो ब्लैक कलर है इनको क्या कीजिए कि आप शैडो के टाइप से इनको थोड़ा सा लुक देना चाह रहे हैं, ठीक है, कि थोड़ा सा उभरा हुआ लगे। तो क्या करना है ना, वो बैक साइड का जो बैकग्राउंड में ब्लैक है उनको क्या कीजिए कि कन्वर्ट टू बिट मैप कर दीजिए। कन्वर्ट टू बिट मैप करने के बाद उनको क्या कीजिए ना, या तो इफेक्ट में आपको ब्लर वाला टूल्स दिखेगा या तो बिट मैप वाला टूल्स पर दिखेगा, ठीक है। अगर कोरल 17 से नीचे आपको कोई सा पर्सन होगा तो इफेक्ट पर दिखेगा, और कोरल 17 के ऊपर होगा तो आपको बिट मैप वाले पे ये वाला गोसियन ब्लर मिल जाएगा, ठीक है। तो गोसियन ब्लर उनको कर देने के बाद क्या है,
करना कि अपने हिसाब से थोड़ा लाइट डार्क करना है ताकि आपका लुक परफेक्ट आ सके। ठीक है, तो मैंने इतना कर दिया। अब क्या है कि संजय स्वीट्स एंड कैटर आप देख पा रहे हो थोड़ा सा हवा पे दिख रहा है, ठीक है ना, मतलब हवा पे फ्लाई कर रहा है। तो उसी तरह से आपको डिज़ाइन को क्रिएटिव बनाना है। ठीक है, ये जो रेड वाला बैकग्राउंड है अगर उस पर भी हम ग्रेडियंट स्टोर करते हैं यूज़ करते हैं तो उसके लिए भी हमें जी का बटन प्रेस करना है। मतलब कोई सा भी ऑब्जेक्ट हो, विक्टर फाइल हो, JPG छोड़ दो, कोई सा भी ऑब्जेक्ट हो उस पर जी का बटन प्रेस करना है, उसको सेलेक्ट करना है और अपने माउस को थोड़ा सा ड्रैग करना है नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ या लेफ्ट राइट कहीं भी, और अपने बोर्ड का कलर चेंज कर सकते हैं जैसे ये। ठीक है, उसी तरह से आपको फ्लेक्स का बोर्ड तैयार करना है। बहुत ही इजी प्रोसेस है, बस थोड़ा सा समझने का दिक्कत है। अगर आप लोग समझ जाएगा तो आप लोगों को काम करने में इजी होगा, फिर मेरे से जितने सारे जो फाइल बांटे फिर रहे ना उन लोगों को वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगे हमें ज़रूर कॉमेंट्स करके बताएं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक किया कीजिए ताकि हमें भी अच्छा लगे और हमें लगे कि आप लोग सब सपोर्ट कर रहे हैं, हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।